हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या ये जो आने वाला वीक है, ये जो नेक्स्ट वीक है, क्या इसमें रीयूनियन होने के चांसेस है आपके अपने पार्टनर के साथ, या नो कांटेक्ट से निकलने के चांसेस है? क्या वो खुद कांटेक्ट करेंगे या क्या वो रीयूनाइट करेंगे आपके साथ? तो ये जो वीक रहेगा, नेक्स्ट 7 डेज जो रहेंगे, क्या इसमें रीयूनियन के चांसेस है आप दोनों के, वो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो उतनी चीज़ें रखिए जितना रेजोनेट होती है और बाकी सारी भूल जाइए। और या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, देखते हैं नेक्स्ट कमिंग वीक में क्या रीयूनियन होने के चांसेस है, क्या रीयूनियन होने के चांसेस है या नहीं। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए रीयूनियन होने के चांसेस है या नहीं। ओके, ये बीच में से टैरो कार्ड निकल गया है, बट इट्स ओके, मैं लूँगी। अगर आया है तो उसका कोई मीनिंग होगा। क्या रीयूनियन होने के चांसेस है, विल दिस रीयूनियन हैपन और नॉट इन दिस कमिंग 7 डेज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे ओपन हार्ट है। ओके, तो कार्ड्स जो निकल के आए हैं वो है बिटरनेस, सोलमेट्स, शॉकिंग सोल, सॉरी नरिश, और ये जो बीच में टैरो कार्ड निकल के आया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, साइलेंस, ट्विन फ्लेम और चेजिंग। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में जैसे मैंने बोला ओपन हार्ट है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नो कांटेक्ट में हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा है, कोई एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, मुझे लगता है यहाँ पे बातचीत बंद है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना, आपके कही हुई कोई बातें हैं जो इस पर्सन को बहुत चुभ गई है। डेफिनेटली यहाँ पे आपने कुछ बोला होगा पास्ट में जो शायद आप मीन भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी बातें बोल देता है जो वो मीन नहीं करता है, लेकिन बहुत कट थ्रोट बातें होती है। लेकिन देखा जाए तो वो मीन नहीं कर रहा होता है वो सारी चीज़ें जो वो बोल रहा है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, मे बी आपने कुछ बोल दिया इस पर्सन को, या इस पर्सन ने कोई मिसअंडरस्टैंड कर लिया आपकी किसी बात को लेकर, और वही गुस्सा, वही रिसेंटमेंट, वही एंगर लेकर ये पर्सन कैरी फॉरवर्ड मुझे नेक्स्ट वीक में होता हुआ दिख रहा है। मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में, क्या आपने कुछ इस पर्सन को बहुत बुरा भला कुछ बोल दिया, या क्योंकि इस पर्सन का ईगो डेफिनेटली हर्ट हो गया है आपके कुछ बोलने से, या समथिंग दैट यू से इट टू दिस पर्सन। ओके, लेकिन ये नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली आपके लिए बहुत प्यार फील करेंगे, बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे, कहीं ना कहीं ये पर्सन फील करेंगे कि आप उनके सोलमेट हो, एक सोल कनेक्शन फील करेंगे आपके साथ, बहुत अट्रैक्ट होंगे आपके तरफ। ठीक है, ये आपके साथ ये हर जद्दोजहद में लगकर आपके तरफ आने की कोशिश करेंगे। मुझे ये पर्सन बहुत कुछ एक साथ चीज़ें बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं कि मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसका प्यार चाहिए। दे विल बी मिसिंग योर लव, जो अनकंडीशनल, जो एक मदरली प्यार आप इस पर्सन को देते थे ना, ये पर्सन बहुत मिस करने वाले हैं। ओके, एंड दे फील दिस सोलमेट कनेक्शन विथ यू, ये बहुत मिस भी करेंगे आपके प्यार को आपको, एंड वो हर कोशिश, हर संभव कोशिश करते हुए दिख रहे हैं आपको पाने की, आपको आपके साथ रिश्ते को बैलेंस आउट करने की। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन की तरफ से कोई बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट भी आ सकता है। येस, बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट इस पर्सन की तरफ से आ सकता है, क्योंकि ये जब से आपसे दूर हुए हैं, एक एक कदम ये पर्सन खींच तान कर आगे बढ़ा रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ। इनको ये कमिटमेंट देने के लिए या इस ये ऑफ़र आपके सामने रखने के लिए बहुत समय लग गया है, बिकॉज दे वर ड्रैगिंग देयर फीट लिटरली। ये पर्सन धीरे 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 बहुत जद्दोजहद कर यू नो, फाइनली दे विल बी ऑफरिंग यू दिस, लाइक दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ अ वेरी सॉलिड ऑफ़र। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, बहुत पेशेंस रखा आपने, बहुत कुछ लोगों ने तो, मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने तो हिम्मत भी हार दी थी कि ये पर्सन कुछ भी ऑफर करेगा। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर गए थे, लेकिन
वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप पे फोकस कर सके, वो खुद से प्यार कर सके, वो सेल्फ लव कर सके, वो अपने आप को ढूंढना चाह रहे थे, वो अकेले रहना चाह रहे थे, वो अपना स्पेस ले रहे थे, वो अपने आप को रीजेन्यूएट कर रहे थे ताकि वो फ्रेश एनर्जी में निकल के आए. ओके, तो येस दिस पर्सन लेफ्ट यू, बट दैट वॉज फॉर देयर ओन सेल्फ, लाइक खुद पे फोकस करने के लिए. बट अब मुझे नेक्स्ट वीक में ही पर्सन आकर ये एस ऑफ कप्स आपको ऑफर करते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, तो एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, तो एक ऐसा ऑफर जिसमें प्यार भी है, इमोशंस भी है, और आप साथ ही साथ इस ऑफर में यहाँ पे स्टेबिलिटी भी है. ओके ओके, रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, या आपके पति पत्नी, जो भी आपके लवर है, या आपके दोस्त है, आपके फैमिली में से कोई हो सकता है जिनके साथ भी आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं, अगर वो आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, प्यार नहीं दे रहे हैं, आप दोनों के बीच में पैशन नहीं रहा है, यू नो रोमांस नहीं रहा है, वो आप पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, यू नो, या वो ब्रेकअप करके चले गए हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो खुद चले गए दूर आपसे, तो अगर किसी भी रिलेशनशिप के इश्यूज, कोई भी किसी भी प्रकार की अगर चल रही है, तो आप रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट ले सकते हो. ये ब्रेसलेट फॉर्म में अवेलेबल है मेरे पास, ट्री फॉर्म में है, पेंडेंट फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, तो आप अपने हिसाब से अलग अलग किसी भी फॉर्म जो कंफर्टेबल हो पहनने में, आप उस चीज़ के लिए ले सकते हो. अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, या स्क्रीन पे अभी कहीं पे आपको दिख रहा होगा नंबर, तो व्हाट्सएप करिए मुझे, कॉल मत करिए, और आप ये मुझसे मंगा सकते हो, क्योंकि आपके हर रिश्ते को बेटर करता है, हर रिश्ते को सुधारता है. अगर आपको नज़र लग जाती है, या आपको लगता है मेरे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई और आप उसको निकालना चाहते हो, तो इसके साथ आप ब्लैक टॉर्मेलाइन पहन लो. ठीक है, मैं उसको उस तरह, मतलब मैं आपके हर पर्पज़ के लिए एक्टिवेट करके देती हूँ, खुद एक्टिवेट करती हूँ. ठीक है, अगर आपको यू नो बहुत ही पैसे कमाने हैं, रिच बनना है, तो आप पाइराइट पहन सकते हो, जैसे मैंने अभी ये यू नो रोज़ क्वार्ट्ज़ पहना है फॉर माय रिलेशनशिप्स. तो ये आपके, मतलब जिस चीज़ के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो, जिस पर्सन के लिए, उसके लिए तो काम करता ही है, लेकिन बाकी रिश्ते भी आपकी लाइफ में अच्छे हो जाते हैं. तो अगर आप लेना चाहते हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, जो भी आपको स्क्रीन पे कहीं पे दिख रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पर्सन एक टाइम पे आपसे दूर गए थे, लेकिन नाउ दे विल बी कमिंग बैक विद अ कप ऑफ लव, और अगर ये पहनोगे तो और जल्दी आ जाएंगे. ठीक है, आई कैन अश्योर यू, क्योंकि रोज़ क्वार्ट्ज़ मैजिकली काम करता है उनके हार्ट चक्रा को ओपन अप करने के लिए, उनको वल्नरेबल बनाने के लिए, उनके अंदर प्यार वाली फीलिंग्स जगाने के लिए. ठीक है, यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, ओके द हैंग्ड मैन. मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको नोटिस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से स्टक फील कर रहे हैं, थक चुके हैं वेट कर करके, या तो ये आपके तरफ से किसी इनिशिएटिव का, या आपके तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए उसका इंतज़ार करते हुए थक चुके हैं. ठीक है, तो ये पर्सन अब वेट करते करते थक चुके हैं, और फाइनली दे विल बी चार्जिंग टुवर्ड्स यू. इस पर्सन ने अपना स्पेस लिया, अपना वक्त लिया, आपका इंतज़ार किया, लेकिन अब जब कुछ भी नहीं हो रहा है, आप भी नहीं आ रहे हो उनके पास, आप उनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, सब कुछ अगर स्टक हो गया है, तो नाउ दे विल बी चार्जिंग टुवर्ड्स यू. फाइनली इस वीक में ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे. मुझे काफ़ी लोगों के यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ, पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, फाइनली एंटरिंग इन योर लाइफ. ओके, और चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं. येस, मुझे यहाँ पे विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ वॉन्ड्स. देखिए यहाँ पे काफ़ी मूवमेंट होगी, आपकी तरफ से भी मूवमेंट होगी, इस पर्सन की तरफ से भी मूवमेंट होगी, और ये पर्सन इतना अकेलापन, इतना बोर्डम फील करेंगे इस वीक में कि ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाएंगे. ये और शांत नहीं रहना चाहते, ये और दुखी नहीं रहना चाहते, या आपका वेट करते नहीं रहना चाहते. नाउ दे वॉन्ट टू चार्ज टूवर्ड्स यू, नाउ दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू. फाइनली ये साइलेंस ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज समवन जो अगर सामने से कुछ नहीं आ रहा है तो वो खुद चार्ज इन करता है. ओके, इन्होंने वेट किया, इन्होंने वेट किया, मे बी पिछले 3 हफ्तों से, या 3 दिनों से, या 3 महीनों से ये पर्सन बस वेट कर रहे थे कि कभी तो आप साइलेंस ब्रेक करोगे, या आप एफर्ट्स डालोगे, आप इनिशिएटिव लोगे. बट अब नेक्स्ट वीक, मुझे आने वाले वीक में मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे. दे विल बी लाइक, अगर मैं ऐसे ही बैठा रहे ना, मैं दुखी रहूँगा, क्योंकि ये जो साइलेंस है आप दोनों के बीच का, ये जो एक दीवार बन गई है जहाँ पे आप दोनों में से कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा है, दिस इज़ हर्टिंग देम. अभी तक अगर इस पर्सन को कुछ नहीं फील हो रहा था इस साइलेंस का के वजह से, लेकिन अब मुझे आने वाले टाइम में ये, लाइक इन द नेक्स्ट वीक, मुझे ये पर्सन को वो साइलेंस बहुत ही ज़्यादा चुपता हुआ दिख रहा है. दे विल बी लाइक, नहीं यार, मुझे
और शांत नहीं रहना है, मुझे दुखी नहीं रहना है, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा एंड दे विल बी फाइनली चार्जिंग टुवर्ड्स यू. ओके, व्हाट इज दिस ट्विन फ्लेम हियर फॉर डेथ? देखिए आप अगर कॉन्फिडेंस रखोगे तो ये पर्सन के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा. अगर आप और नेगेटिव हो जाओगे रिश्ते को लेकर, मुझे तो ये इंसान अब चाहिए ही नहीं, अभी ये भाड़ में जाए, अभी आएगा तो भी मुझे इसको ऑफ एक्सेप्ट नहीं करना है, तो ये रिश्ते में जो एंडिंग हुई है वो कभी भी इसकी एक रिबर्थ नहीं हो पाएगा आपके रिश्ते का. तो आप कॉन्फिडेंट रहो, आप अपने वैल्यू समझ गए हो तो आप अपने कॉन्फिडेंस में रहो, लेकिन ऐसा मत सोचो कि मुझे भी ख़त्म ही करना है. मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जिनके मन में अब ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे तो अब चाहिए ही नहीं, अभी आएगा भी तो भी मुझे नहीं चाहिए. तो अगर आप ऐसे सोचोगे तो ये रीबर्थ कैसा हो पाएगा? आप चाहते हो ना कि पर्सन मेरे पास आए और मेरी वैल्यू समझे और मुझे वो जगह दे अपनी लाइफ में जो मैं डिज़र्व करती हूँ, या मुझे प्यार मिले. तो आप कॉन्फिडेंट तो रहो, लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मुझे रिश्ता चाहिए ही नहीं? बिकॉज इफ़ यूर फीलिंग्स हो ऐसा ही होगा कि आप चाहते हो कि ये पर्सन और आपके बीच सब कुछ ख़त्म हो जाए. नहीं ना, आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, आप चाहते हो आपकी वैल्यू समझे, आपको प्यार करे. तो क्योंकि आप मिरर कर रहे हो फीलिंग्स, ठीक है, इसीलिए मैं देखिए मिरर बोला मैंने और 11-11 स्क्रीन पे मुझे दिखा है. तो अगर आप चाहते हो आपके पास आए तो कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन पॉजिटिवली कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है. चेजिंग क्यों है यहाँ पे? ओके, द मून एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. यस, जितना आप लो प्रोफाइल रहोगे, जितना आप शांत रहोगे, चेज नहीं करोगे, अपने में पॉजिटिव रहोगे, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करोगे, सोल पर्पस पे फोकस करोगे, जितना लो प्रोफाइल रहोगे, शांत रहोगे, उतना इस पर्सन के अंदर आपको लेकर क्यूरियोसिटी नेक्स्ट वीक में बढ़ेगी एंड दे विल बी लाइक ये कहाँ गई, ये कहाँ गया, इसके लाइफ में क्या हो रहा है. क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आप लो प्रोफाइल हो जाओगे, आप ज़्यादा ऑनलाइन नहीं जाना, आपका ज़्यादा ऑनलाइन ना जाना, आपका काम से काम रखना, यू नो, चेज ना करना, चुप चुप रहना, इस पर्सन को आपकी तरफ आने पे मजबूर करेगा, ठीक है. सो देवर ड्रैगिंग देयर फीट, बहुत धीरे 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 आपकी तरफ आ रहे थे, लेकिन एटलीस्ट मुझे बढ़ते हुए तो दिख रहे हैं ना आपकी तरफ. लेकिन क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई थी, तो इट्स लाइक ट्रांजिशन होगा, धीरे 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 एकदम फटाक से आपकी लाइफ में आ जाना. जितना आप लो प्रोफाइल रहोगे उतना बेटर है, ठीक है. और यहाँ पर ओपन हार्ट की एनर्जी क्यों निकल के आई है? वाई इज दिस ओपन हार्ट हियर? क्यों है ये ओपन हार्ट यहाँ पे? नाइट ऑफ कप्स, सी आई टोल्ड यू यहाँ पे सारे नाइट्स आ रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया था और अभी यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है बॉटम ऑफ द डेक में. डेफिनेटली देखिए ये पर्सन अब इनका काफ़ी टाइम से देवर क्लोज्ड ऑफ, मुझे प्यार चाहिए ही नहीं. इन्होंने आप में से कुछ लोगों को इस पर्सन ने बोला भी होगा कि मुझे ना रिश्ता चाहिए ही नहीं, मैं अकेले रहना चाहता हूँ या अकेली रहनी चाहती हूँ. लेकिन अब देयर हार्ट इज़ ओपनिंग अप टू लव एंड वो आपकी तरफ बढ़ेंगे विद दिस कप ऑफ लव, ठीक है. आपको लग सकता है कि इतने टाइम बाद इस पर्सन को मेरी याद आई है, इतना टाइम ले लिया इस पर्सन ने, लेकिन एटलीस्ट वो आ तो रहे हैं, तो एक्सेप्ट दैट, ठीक है. आपके ऊपर है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना तो वो आपकी मर्जी होगी. लेट्स सी के इस वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या एक्शंस आ सकते हैं इस पर्सन की तरफ से, या फिर क्या होने वाला है ओवरऑल आपके लव लाइफ में. डिवाइन हमें बताइए प्लीज़, हमारे व्यूअर के पार्टनर और उनके बीच में क्या होने वाला है इस वीक, व्हाट सिग्निफिकेंट. वाओ, पहला ही कार्ड इतना अच्छा निकल के आया ना. लेट मी फर्स्ट शफल और फिर मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए पहला कार्ड कौन सा आया है, रीचिंग आउट. तो यस, फॉर मेनी ऑफ यू दिस पर्सन विल बी रीचिंग आउट टू यू. रोमांटिक फीलिंग्स, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे आपके लिए, रोमांटिक फीलिंग्स फील करेंगे सबसे पहले तो. नथिंग टू वरी अबाउट, तो कुछ ऐसा होगा आपके लव लाइफ में जिसके बाद आपके सारे टेंशंस मिट जाएंगे, ठीक है. थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ यहाँ पे यू कैन डू दिस. तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में ऐसी थी जो जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे या फाइट बैक नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली दे विल बी एबल टू डू दैट. टाइम फॉर एक्शन, तो ये पर्सन फाइनली एक्शन लेंगे इस आने वाले वीक में, कमिंग वीक में. वॉट मोर डू वी हैव एंड सेकेंड चांस, तो यस दे विल बी आस्किंग यू फॉर अ सेकेंड चांस. तो ये आपसे एक दूसरा मौका मांगेंगे एंड सी इस पर्सन को लिटरली ऐसा महसूस होगा कि क्या सिर्फ प्यार मैं ही करता था, क्या सामने वाला मुझसे कभी प्यार नहीं करता था, ठीक है. तो दे विल बी लाइक डेफिनेटली बहुत इमोशनल होने वाले हैं. ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए ये सेकेंड चांस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है.
वाई इज़ दिस सेकेंड चांस हियर, क्यों है ये सेकेंड चांस? येस सी दिस इज़ योर जस्टिस, इस वीक में आपको जस्टिस मिलने वाला है, ये पर्सन फाइनली आएंगे आपके पास और आपके आपको एक आपसे एक दूसरा मौका मांगेंगे, या फिर ये बोलेंगे कि यार एटलीस्ट मैं एक चांस तो डिज़र्व करता हूँ, यू नो ऐसा भी मैंने क्या गुनाह कर दिया है कि मैं कोई चांस ही डिज़र्व नहीं करता। देखिए आपको बहुत अबंडेंट मानते हैं, या आपको बहुत आप कॉन्फिडेंस में देख रहे हैं, या आपको बहुत ग्रो हुए हो आप ऐसा देख रहे हैं, कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, एंड दिस इज़ अट्रैक्टिंग देम। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कॉन्फिडेंट रहो, जितना कॉन्फिडेंट दिखोगे उतना ये पर्सन इंट्रीग होंगे और आपके पास आएंगे, क्योंकि रोते हुए इंसान या बैक करता हुआ इंसान किसी को पसंद नहीं आता है। तो अगर आप इस कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ गए हो, आप अपना अपनी केयर कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, खुद पे ध्यान दे रहे हो, यू नो देन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू आस्क फॉर सेकेंड चांस, एंड ये बोलेंगे कि एटलीस्ट मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं इतना तो बुरा नहीं हूँ कि मैं सेकेंड चांस डिज़र्व ही नहीं करता, ठीक है। बट ये तभी होगा जब आप कॉन्फिडेंट लगोगे, दिखोगे। रीचिंग आउट को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फोर ऑफ कप्स, येस। देखिए इस पर्सन के अंदर ये पहले थॉट था इनका, या ऐसा सोचते थे कि अगर मैंने उसको मैसेज किया और उसका रिप्लाई नहीं आया तो, या अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, अगर उसने यू नो मेरे कॉल्स और मैसेजेस का अनसीन कर दिया तो, अब वो डर भी नहीं रहा है उनके अंदर। इस आने वाले वीक में दे विल रीच आउट, चाहे आपका चाहे आप उनको रिप्लाई करो या ना करो, चाहे आप उनका कॉल उठाओ ना उठाओ, दे विल रीच आउट टू यू। मुझे ये एक बदलाव उनके अंदर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स क्यों है यहाँ पे? द वर्ल्ड कार्ड, सी आई सी देम कमिंग बैक फॉर अ न्यू चांस, फॉर अ न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पे मुझे ये पर्सन के अंदर आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स फिर से जगने वाली है, ओके, एंड दे विल कम एंड आस्क फॉर अ सेकेंड चांस, ओके। दे विल बी लाइक मुझे एक मौका देना है इस रिश्ते को, मैं इसे नहीं जाने दे सकता। नथिंग टू वरी अबाउट। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। देखिए आपको ये पर्सन जो भी ऑफ़र करेंगे वो आपको छोटा ऑफ़र लग सकता है, लेकिन आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि ठीक है छोटा ऑफ़र है लेकिन कुछ तो शुरुआत हुई है ना, तो वो शुरुआत होने दो, टेंशन मत लो, बहुत फ्यूचर का मत सोचो, बहुत ओवर थिंकिंग मत करो। तो आपको यहाँ पर वरी ना करने को कहा जा रहा है, या ये पर्सन आपको बोल सकते हैं कि यार तुम मत टेंशन लो, यू नो मैं सब ठीक कर दूँगा, ठीक है, तुम सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करो, यू नो। मेरा एक दोस्त बोलता है फिकर नॉट, मुझे भी उसकी आदत लग गई है, मैं भी बोलती हूँ फिकर नॉट, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों है यहाँ पे? येस द लवर्स, वाओ, आई टोल्ड यू देर वॉज समवन इन दिस, इफ देर वॉज समवन इन दिस पर्सनस लाइफ जिनसे ये सच में रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, फाइनली वो अपना डिसीजन ले लेंगे एंड दे विल जस्ट कट इट ऑफ, ठीक है। ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के को कट ऑफ करने के लिए फाइनली रेडी हो जाएंगे या कट ऑफ कर देंगे। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी को लेकर मेजर डिसीजन यहाँ पे होने वाला है। हिम्मत नहीं हो पा रही थी मे बी इस पर्सन की पास्ट में। सिक्स ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ वॉन्स, वाओ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सी यू आर देयर स्टेबिलिटी। आप इस पर्सन की स्टेबिलिटी हो, आप इनको लाइफ में कुछ बनने का कॉन्फिडेंस देते हो, आप इस पर्सन को मोटिवेट करते हो, आप इस पर्सन को इंस्पायर करते हो, आप इस पर्सन को के अंदर करेज भरते हो, एंड आप होते हो तो इस पर्सन के लाइफ में अबंडेंस होती है। सो दे डोंट वांट टू लूज एनीथिंग, ओके। सो फाइनली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू एंड दे आर गोइंग टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। उनको लगेगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। सो वाओ, एंड वन साइडेड लव क्यों है यहाँ पे? टू ऑफ वंड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखिए क्या हो रहा है ना यहाँ पे, आपने इस रिलेशनशिप में अपने तरफ से कुछ भी एफर्ट्स डालना, you have stopped giving any efforts into this connection, क्योंकि कहीं ना, या फिर मे बी आप अपने आपने सोच लिया है, आपने पास्ट में भी झांक कर देख लिया और अब आप फ्यूचर का भी सोच रहे हो, एंड यू आर लाइक पास्ट में मैंने जो गलतियाँ करी मैं वो नहीं करूँगी अब आगे, या मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा, यू नो जितना सामने वाला मेरे लिए कर रहा है मैं उतना ही करूँगा। अगर वो यू नो, क्योंकि आपको पास्ट में इस पर्सन ने डेफिनेटली ऐसा फील कराया है कि यू नो सिर्फ आप ही उनसे प्यार करते हो, वो तो करते ही नहीं है, उनके एक्शंस ऐसे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप उतना ही करोगे जितना ही पर्सन करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत बैलेंस्ड बिहेवियर की वजह से, मतलब तुम जितना करो उतना ही मैं करूँगी या करूँगा, ये आपका जो बिहेवियर रहेगा, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचकर सारी चीज़ें करोगे, तो ये पर्सन थोड़ा सा, इस पर्सन को ऐसा फील हो सकता है कि क्या ये सामने वाला पर्सन अब मुझसे प्यार नहीं करता, क्या ये रिलेशनशिप वन साइडेड हो गया है।
तो ये सारी चीज़ें इनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या हैं इस पर्सन के। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? ओके, सबसे पहला मैसेज है व्हाई यू इग्नोर मी। सी, उनको आपकी इग्नोरेंस फील हो रही है, उनको फील हो रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, एंड बस पूछ रहे हैं आपसे ये सवाल कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो आजकल, या ये बोल भी सकते हैं आपको आने वाले 7 दिनों के अंदर या जब बात होगी। यू बिलीव और नॉट आई लव यू मोर देन यू नो। तो तुम मानो या ना मानो, तुम जितना समझते हो मानते होते उससे ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई मिस यू, तो यस ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। तो दिन के शुरुआत में और दिन के आखिर में किसी का लाइक ये आपके बारे में सोचते हैं या इनके दिमाग में आपका ही ख्याल आता है। ओके, थॉट आप ही होते हो इनका फर्स्ट और लास्ट। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज़ आर फिक्स्ड ऑन यू। तो ये आपको बहुत ब्यूटीफुल मानती है, जब भी आपको देखते हैं इनके सेंसेस स्टॉप हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, तो डेफिनेटली आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, नॉट इन अ लस्टी वे बट इन अ गुड वे, लाइक इन लवेबल वे। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, तो ये कभी नहीं भूल सकते आपको। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि हम बात कर सकते हैं बिना बात किए भी, ठीक है। तो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन यहाँ पे डेफिनेटली है। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, तो ये पर्सन आपको थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि आपने डेफिनेटली इनको हैप्पी फील कराया है या कराते हो। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट, तो आपको ये पर्सन बोल रहे हैं कि तुम सबसे ब्यूटिफुल पर्सन हो अंदर से भी और बाहर से भी। एंड लास्ट 3 कार्ड्स जो निकल के आए हैं, आई फील सो हेल्पलेस टू बी विथ यू, आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कॉन्ट। तो ये पर्सन बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ होना चाहते हैं लेकिन हो आ नहीं पा रहे हैं, या आपका साथ चाहते हैं लेकिन आपको साथ दे नहीं पा रहे हैं। आई रिवाइंड माई मेमरीज़ विद यू एवरी डे, तो हर दिन ये आपके साथ जो मेमरीज़ है उसको रिवाइंड करते हैं। आई विल ऑलवेज़ लव यू इवन इफ़ आई डोंट से, तो मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा चाहे मैं बोलूँ या ना बोलूँ। एंड आखिरी मैसेज है यहाँ पे, एवरी डे माई लव फॉर यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो हर दिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता जाता है। सो या दैट वॉज इट, आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। एंड आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल में या बाकी भी क्रिस्टल्स हैं मेरे पास आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से। अगर आपको हेल्थ ठीक करनी है या आपको प्रोटेक्शन चाहिए फ्रॉम एनी एविल आइज, आपको अगर करियर ठीक करना है या आपको जॉब चाहिए या जो भी है, हर चीज़ के लिए मेरे पास क्रिस्टल्स, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स और क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, तो जाइए रीच आउट टू मी। एंड मिलते अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। See you in the next video. Till then, miss me.